पिछले कुछ दिनों से व्हाट्सएप पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है। वीडियो के साथ कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के एक हाउस पेंटर की केरल में किसी ने गोली मार कर हत्या कर दी। इसी दावे के साथ कई सारे यूजर्स ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। इस वायरल वीडियो के संदर्भ में फैक्ट चेक करने के लिए ऑल्ट न्यूज के व्हाट्सएप नंबर पर कई रिक्वेस्ट भी आई है। ऑल्ट न्यूज ने इस वायरल वीडियो को लेकर छानबीन शुरू की। वीडियो के फ्रेम को रिवर्स इमेज सर्च करते हुए हमें ये वीडियो 30 जून को पोस्ट किया हुआ मिला। कैप्शन में बताया गया है कि मनौस में एक व्यक्ति ने खून करने की घटना को रिकॉर्ड किया था। इस घटना के बारे में रिपोर्ट्स तलाशने पर हमें मालूम हुआ कि ब्राजील के मनौस में लुकास परेरा नामक एक व्यक्ति जब कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था, तब एक अज्ञात व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी थी। अप्रैल 2024 में ड्रग्स की तस्करी के आरोप में परेरा के खिलाफ कोर्ट ने ओपन अरेस्ट वारंट इश्यू किया था और इस घटना के बाद मृतक के आपराधिक गुटों के सदस्यों के साथ के संबंध भी चर्चा में हैं। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस वायरल वीडियो के संदर्भ में बयान दिया कि वायरल वीडियो का यूपी की किसी घटना से कोई लेना देना नहीं है। यानी ब्राजील में एक व्यक्ति की हत्या का वीडियो केरल में यूपी के एक आदमी की हत्या किए जाने के झूठे दावे के साथ शेयर किया गया। इस वीडियो को नोएडा और उत्तराखंड का बताकर भी शेयर किया जा रहा है।